हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक विट वाइप का रिव्यू। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसा है ये विट वाइप या इसके बारे में सभी बातें, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से रिलेटेड सभी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी है, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैंडी है, ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जो विट वाइप होती हैं वो ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। फिलहाल आप इन्हें डेली घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बात करूँ इसे यूज़ की, तो मैं इससे 3 वाइप यूज़ कर चुकी हूँ। तो अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो पीछे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसका प्राइस है 30 रुपीज़, जिसमें आपको 10 वेट वाइप्स मिलते हैं। और अगर बात करें इसकी सेल्फ लाइफ की, तो इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इंग्रेडिएंट लिस्ट भी पैकेजिंग पे मेंशन है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसमें पैराबेंस नहीं है। जितने इंग्रेडिएंट पैकेजिंग पे मेंशन किए गए हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें कोई भी पैराबेंस नहीं है। अगर बात करें अदर इंग्रेडिएंट की, तो अदर इंग्रेडिएंट जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल होता है। बात करें इसे यूज़ करने की, तो आप इसे अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर दूँ। हालांकि जो विट वाइप होते हैं आप उन्हें मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विट वाइप जो हैं वो आपके मेकअप को बहुत अच्छे से या बहुत ईजिली रिमूव नहीं करते हैं। उनके साथ आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप विट वाइप को यूज़ करें अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप विट वाइप को यूज़ कर सकती हैं अपने फेस पर। अगर आपने कोई ऑयल अप्लाई किया है या कोई मेकअप क्लिंजिंग लोशन जो होते हैं वो यूज़ किया है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप विट वाइप में मेकअप रिमूवर ऐड करके, एक्स्ट्रा मेकअप रिमूवर ऐड करके उसके बाद यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इससे अपने मेकअप को रिमूव मत करिएगा, क्योंकि उससे आपको अपनी स्किन को रगड़ना पड़ेगा। बात करें इस विट वाइप की, तो यहाँ पे मैं इसके बाद एक वीडियो इंसर्ट कर दूँगी जिसमें मैं इस विट वाइप को यूज़ कर रही हूँ। एक बात मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी ने इसे यूज़ किया है, ये है गिन्नी क्लिया, क्लिया है या स्लिया है जो भी है, गिन्नी क्लिया क्लिनिंग एंड मेकअप रिमूवर वाइप्स। तो इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो अगर आप में से किसी ने इसे यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि इसके जो वेट वाइप हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से वेट होते हैं, मतलब उनमें जो लिक्विड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, इसके जो वेट वाइप होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब वेट वाइप जो हैं वो काफ़ी थिक हैं, मोटे भी हैं और काफ़ी बड़े भी हैं। मैंने अब तक जितने विट वाइप यूज किए हैं मुझे उनमें से सबसे बेटर क्वालिटी इसी की लगी है। तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगी कि अगर आप चाहें तो आप इस विट वाइप को यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी के वाइप भी।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरे ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।